प्रदेश के मुरादाबाद में शौचालय के विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में भारत नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन-फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। मुरादाबाद जनपद के भवटावली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब घर में शौचालय के विवाद को लेकर परिवार में मामूली कहासुनी हो गई, जिसमें दोनों भाइयों में आपस में विवाद हो गया और विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि भाई ने दूसरे भाई पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी मृतक के घर पहुंच गई और मृतक के घर पर सभी सबूतों को जुटाने लगी। जब मृतक की पत्नी से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारे घर में मेरे पति और जेठ में घर को लेकर विवाद चल रहा था और हम लोग अपने घर में शौचालय में दरवाजा लगवाना चाहते थे, जिसका विरोध जेठ द्वारा करवाया जा रहा था। महिला ने बताया कि मेरे पति और मेरे जेठ और सास ने पिटाई कर दी थी और जेठ ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें मेरा पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, जो क्या नाम था उनका जो खत्म हुए? आपके शोहर का नाम, पति का नाम क्या था? भारत। क्या हुआ था उनके साथ? काम पहचान के लैट्रिन का मोड़ा खोल रहे थे, मुझे परेशानी थी, इधर लाइन ही इधर वो ही कहीं जगह न थी, मिल रही थी, मैंने कहा इधर को जाने नहीं देती, ये गाली देती, तो मैं बोली मैंने कहा छोटा सा मोड़ा रास्ते के लंगू खोल दो ताकि मैं चली जा करूँ अंदर को, तो ये इन्होंने नहीं खोलन दिया। ये लोग आ गए तीनों, सासू काम जिठानी और जेठ, पकड़ कर ले गए इन्होंने, भाग पकड़ लिया, तलवार मार दी इन्होंने। कहाँ पे लगी तलवार इनके? ये लग गई है। अब कहाँ है वो? होश में। तबीयत कैसी है? मुझे सही है, ऐसी है। कब की बात रही होगी ये? ऐसे 11:30 बजे के लगभग पुलिस आ गई थी मौके पर? नहीं, अब आई पुलिस। अब आई है। अब क्या चाहती हो आप? आप क्या चाहती हो? क्या चाहती हैं आप? इंसाफ चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमपाल सिंह है। जोर से बोलिए। खेमपाल सिंह है ना? खेमपाल सिंह जी, आज आपकी बहन के पति की मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? अब जैसे मैंने आप पूछा उनसे, जैसे मैंने ये बताया हमारी बहन जी ने कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ है? जैसे कि आप बता रही थी, हमारी दीदी बता रही थी कि दोनों लोगों ने और सास ने खींचा उन्हें और फर्श पर जो है गिरा लिया था इनको, और फिर बाद में जो है दोनों जो हैं उन्हें पकड़े गए, भारत सिंह पकड़े रहे, जिसके बाद जो है अंदर से धारदार हथियार लाए, तलवार लाई थी इतनी बड़ी तलवार से क्या करा फिर उन्होंने? तलवार जो उन्होंने पेट में होगी। किस बात को लेके विवाद होता है? क्या शौचालय को लेके विवाद हुआ है? आप हमने पूछा तो बता रहे शौचालय के बारे में। क्या विवाद था शौचालय का? शौचालय का गेट का विवाद था। क्या बताया उन्होंने? गेट मैंने तो गेट के लिए मैं चाहती थी कि मेरा गेट जो है इधर से हो जाए, बाहर रास्ते में से, अंदर से मना करती थी, अंदर से ये मना करती थी, घर में रास्ता है। क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। सुंदर, क्या हुआ है आज यहाँ पर? यहाँ पर झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ है लैट्रिन के ऊपर, अंदर से लैट्रिन का रास्ता था घर में, कुछ जाते थे तो उसमें को रास्ता था। इन लोगों ने जब इनों में उतुमें में होती थी तो भारत सिंह ने कही कि मैं रास्ते की तरफ से लूँगा, कि तुम्हारे घर को हम नहीं जा रहे अंदर की तरफ से, कि अंदर की तरफ से नहीं जा रहे, तो इन लोगों ने मना करी कि हम बाहर से भी न खुलने देंगे और न अंदर से जाने देंगे, तो ये मान गए। फिर जब ये इन्होंने कुछ थोड़ा और कही होगी कुछ टाइम, तो ये बोले कि चलो अंदर को चलो जाते, तब इन्हें जैसे ही वहाँ से आने लगे ये वापिस, तो इन्हें दोनों तीनों जनों ने खींच लिया अंदर को, इनकी भरत सिंह की मम्मी ने और इनकी भाभी ने और भैया ने, इन तीनों जनों ने खींच के और तीनों ने इन्हें गिरा लिया
गिराने के बाद में इन पर हमला करा तलवार से, इतनी बड़ी तलवार है इससे हमला करा, पेट में हमला करा है। क्या हुआ फिर उनका? उनकी स्थिति झांसी यहाँ के ले गए तब तक ख़राब थी, झांसी अस्पताल लेके पहुँचे फिर वो ख़त्म ही एक्सपायर हो गया। किस बात को लेके विवाद हुआ था? लैट्रिन के ऊपर रास्ता, इन्होंने रास्ते की तरफ से मांगा अंदर के घर में को जाने से, जब ये मना करते तो इन्होंने कही कि इधर से रास्ता दे दो हमें, इधर से बैठ जा कर हमें लैट्रिन में। ठीक सर, अगवानपुर के भटावली गांव में शौचालय को लेकर दो भाइयों में विवाद हुआ था, एक भाई ने दूसरे भाई पर हत्या कर होगा, क्या है पूरा मामला? ये एक व्यक्ति है जिसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। जो अभी तक बात पता चली है कि दोनों भाइयों के बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, हाथापाई भी हुई थी जिसमें ये जो छोटा भाई है ये घायल हो गया था। इसके बाद इसके परिवारजन इसको हॉस्पिटल में ले गए थे जहाँ एडमिट हुआ था, दौरान इलाज इसकी होती है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, मौके पे पुलिस पहुंची, वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। इसमें अभी उनसे पूछताछ की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधि कार्रवाई पूरी की जाएगी। सर क्या किसी की कोई गिरफ्तारी हुई? अभी इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ की जा रही है सभी से जो भी घटनास्थल पर मौजूद थे, और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार विधि कार्रवाई पूरी की जाएगी। ठीक है सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.